हाँ नमस्ते, वेलकम बैक टू वीन ट्रेडर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का इकलौता ट्रेड होता है ऑप्शंस। ऑप्शन में परफेक्ट एंट्री कहाँ से लेना चाहिए, तो वो भी बैंक निफ्टी निफ्टी में। आज की यानी कि विन ट्रेडर की आज की परफॉर्मेंस में ही आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आज की बैंक निफ्टी आपने देखा है तो मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जाके अचानक रिवर्स हो गए थे, मार्केट एकदम डाउन जाके वहाँ से ऊपर चढ़े थे। तो ऐसे पॉइंट में आपको परफेक्ट एंट्री कहाँ से लेना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस किस तरह आपको ये ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपको चूज कर सकते हैं, ये जानते हैं तो आज के लाइव वीडियो में। ओके, तो साथों साथ मैं आपको निफ्टी का भी आज की परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, निफ्टी में भी किस तरह यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर विन ट्रेड ने परफॉर्मेंस दिए थे। मॉर्निंग में ही काफ़ी अच्छी तरह प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो, ज़्यादा आपको चार्ट के ऊपर बैठना भी नहीं पड़ेगा। किस तरह कमा सकते हो जानने के लिए वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं सीमा कृष्णा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मैंने आज दिखा रही हूँ निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कॉर्नर में लाइव ब्रेक चल रही हूँ, ये डे ब्रेक लाइन से मार्केट आज का ओपन हुआ था। इसमें जो ग्रीन कलर अपारो बाइक की सिग्नल है, रेड कलर मौसल की सिग्नल है, ये दो बाइक की सिग्नल और एक सेल का सिग्नल मिला है। सेल थोड़ा सा नीचे जाकर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गए थे। मैंने हमेशा बताया था आपको यानी कि सिग्नल जैसे कौन से सिग्नल आपको परफेक्ट है यानी कि आपको ट्रेड देगा, कौन से सिग्नल यानी कि आपको रिवर्स होने का चांस है, ऐसे मैंने हमेशा पहले भी बताया था, अभी भी अगेन बता रहे थे। हमेशा ऐसे सिग्नल पिक करो, सिग्नल कंफर्म होने यानी कि सिग्नल आने के बाद दूसरी या तीसरी कैंडल में कंफर्म हो, ऐसे सिग्नल बहुत आगे तक जाने का चांस है, वैसे सिग्नल पिक करो हमेशा। तो यहाँ पे आप आज देख सकते हैं डिब्रेक लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था। इसमें से यानी कि मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 9:20 में जो बाय सिग्नल दिए थे अप्रोक्सीमेट दूसरी या तीसरी कैंडल में कंफर्म हुए थे, वो पॉइंट अप्रोक्सीमेट हमने पोजीशन लिया था 17,966 में हमने पोजीशन बनाए थे। वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर चढ़े थे अप्रोक्सीमेट यानी कि हमें 100 पॉइंट्स के आसपास हमें प्रॉफिट मिला है। उसके बाद जो सेल सिग्नल आए थे यहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी चालू हुआ था, पर वहाँ से सॉफ्टवेयर कन्फर्मेशन नहीं दिया था। कन्फर्मेशन मतलब हमारा कैंडल भी रेड नहीं था, सॉरी कैंडल कलर भी रेड नहीं था, नीचे भी रेड नहीं था सेल साउंड में। सेम उसी की तरह मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही नीचे आए थे, परफेक्ट यानी कि एंट्री कहाँ से यहाँ पे होती है, तो वो पॉइंट हमें पकड़ना है। वहाँ से 40 पॉइंट अप्रोक्सीमेट नीचे मिला है, पर हमें क्या है ना, हमेशा मैंने पहले भी बताया था ऐसे सिग्नल हमेशा थोड़ा सा छोटे पॉइंट में एक्सिट करो, जैसे मार्केट सिग्नल मिलने के बाद थोड़ा सा रिवर्स होके कन्फर्म हो, ऐसे सिग्नल हमेशा ज़्यादा आगे जाने का चांस बहुत कम है। सेम ऐसे ही आज हुआ था, मैंने जो बताई स्ट्रैटेजी में आप फॉलो किए थे, ये पॉइंट आपको छोटी सी प्रॉफिट में एक्सिट कर, सेम ऐसे ही हुआ था, मार्केट रिवर्स हो गए थे। रिवर्स होकर बाई सिग्नल अप्रोक्सीमेट 1 बजे यानी कि 2 बजे सिग्नल बाई सिग्नल दिया था और से सीधा ऊपर 50 पॉइंट ऊपर गए थे। तो हमें मॉर्निंग के हिसाब से हम पोजीशन बनाए थे अप्रोक्सीमेट हमने 17,000 यानी कि 600 या 700 के हम कॉल ले सकते थे। यहाँ पे व्यू में से सिंबल्स में जाएंगे तो हमको वीकली ऑप्शन में जाना है, निफ्टी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ऑप्शन में, तो ये पॉइंट में हमें निफ्टी ऑप्शन उठाना है। तो हमने 17,800 या 900 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 700 भी मैंने डाला है, तो उसके हिसाब से हम सेट करके यानी कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो सीधा स्कैनर में आएगा। राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो लगाना है, टाइम फ्रेम हमें हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है इंट्राडे के लिए, और साथों साथ एक अपॉइंटमेंट ऑप्शन ऑप्शन का चार्ट इसमें अवेलेबल रहेगा। तो सेम उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मॉर्निंग में सेम उसी की लेवल में जो बाय सिग्नल दिया था हमें मिला था अप्रोक्सीमेट यानी कि 267 के हिसाब से हमने पोजीशन बनाए थे, वहाँ से सीधा ऊपर अप्रोक्सीमेट 344 तक गए थे। ओके, उसके बाद सेल आके यानी कि थोड़ा सा नीचे जाकर अगेन सेम बाई दिया था अप्रोक्सीमेट 304 में, हम सेम वहाँ से हम 324 के हिसाब से हम पोजीशन बनाए थे सीधा ऊपर मार्केट। ओके, सेम आपको बैंक निफ्टी में भी ऐसा, पर जितना निफ्टी मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गए थे उतना बैंक निफ्टी नहीं गए थे, जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक किया था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर रिवर्स हो गए थे, ज़्यादा पॉइंट इसमें कमा नहीं पाई थी अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग 30 या 40 पॉइंट्स के हिसाब से उतना ही मिला है। पर हमेशा जैसे कि मार्केट रिवर्स, सॉरी, सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी में इनकेस आपने पोजीशन वहाँ से उठाई तो भी ज़्यादा ऊपर नहीं गए तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गए थे। तो अप्रोक्सीमेट ऐसे पोजीशन में बीच में सर मार्केट रिवर्स होता है तो पॉइंट अप्रोक्सीमेट यानी कि छोटे से पॉइंट,
अप्रोक्सीमेट इनकेस आपने रेसिस्टेंट ब्रेक किया था वहाँ से पोजीशन उठाई तो भी रिवर्जेस है, एक तो आपको ट्रेंड लाइन जब नीचे जाते हैं तो पोजीशन में कट कर सकते हो, नहीं तो साइडवे तक। हमारा सॉफ्टवेयर की ये खासियत है साइडवे परफेक्टली दिखाता है, जब साइडवे जब आता है तो वो पोजीशन में कट कर सकते हैं, नहीं तो आपको तो यानी कि जब तक ट्रेंड लाइन नीचे जाने तक यानी कि ये पोजीशन में कट कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे का वॉल्यूम बार चेंज होने तक वेट करना है। नीचे का वॉल्यूम बार चेंज हो रहा था ये पोजीशन में, आपको यहाँ से कट कर सकते पर उतना मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे आया होगा ऑब्वियसली, जिसके लिए हमेशा थोड़ा सा डाउन जाने के लिए कोशिश करती है, ये पोजीशन में आपको काटिए, ज्यादा लॉस में नहीं होगा तो वहां से आपको एक प्रॉपर्ली यानी कि बिना लॉस के भी आपको आराम से एक्सिट भी कर सकते हैं। ओके तो उसी के अलावा तो यानी कि आपको मॉर्निंग में यानी कि अप्रोक्सीमेट सेल सिग्नल यहाँ पे मॉर्निंग में जब बाई सिग्नल दिया था और उसके बाद सेल सिग्नल दिया था, सेल सिग्नल कंफर्म हुआ था ये पॉइंट में अप्रोक्सीमेट उसी टाइम हमको पुट ऑप्शन जब ले सकते थे मार्केट 42,298 के हिसाब से कंफर्म हुए थे तो हम 42,400 की हम पुट ले सकते थे। व्यू में से सिंबल्स में जाएंगे तो हमको बैंक निफ्टी का पुट उठाना है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में हमने पुट ऑप्शन ऐड करना है 42,500 या 300 की यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो ऑलरेडी मैंने 400 की पुट ऐड किया हुआ है तो 200 के हिसाब से कंफर्म हुआ तो 200 भी ले सकते हो, 300 या 400 कुछ भी, तो एट द मनी लेना है तो 42,200 एंड द मनी लेना है तो 400 या 500 आपको जैसे मार्जिन चाहते हैं वैसे ऑर्डर, जितना यानी कि अभी फिलहाल ट्रेड चल रही है उसके 100-200 पॉइंट आगे तो आपके मार्जिन के हिसाब से आपको चूज कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली यानी कि थ्री हंड्रेड की पुट ऑप्शन यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाई सिग्नल सेम उसी पॉइंट में यहाँ पे हमें मिला था तो हम कंफर्म होके हम पोजीशन जब लिया था तो ऑलरेडी जब मार्केट 314 हो चुकी थी, 314 से जब पोजीशन हमने लिया था सीधा मार्केट ऊपर 503 तक गए थे, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट यानी कि 42,300 में मिला है। सेम आपको 400 भी ले सकते हैं, 500 जैसे ही मार्जिन चाहते हैं आपको उतनी मार्जिन के हिसाब से, अगर आउट ऑफ द मनी लेना है तो भी आपको ऐसे पॉसिबल है। ओके तो उसी के अलावा तो यानी कि आपको आज की स्टॉक ऑप्शन में जैसे मारुति में बढ़िया ट्रेंड था, सेम ऐसे ही आपको यानी कि एल रिलायंस में बहुत बड़ा बाई ट्रेंड था, साथ में एलएनटी बहुत बढ़िया यानी कि कमाल की जब ट्रेड है यानी कि एलएनटी में मिला है बहुत बढ़िया ट्रेंड यानी कि एलएनटी आज मॉर्निंग से लेकर यानी कि काफ़ी वन साइड मोमेंट था एलएनटी। ओके तो सेम ऐसे ही स्टॉक आपको चुन सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर इंचेड की स्कैनर, तो हमेशा मैंने बताया था बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंचेड का स्कैनर, स्कैनर बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन आपको दे देता है परफेक्ट ट्रेड का। तो यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं मॉर्निंग में एलएनटी में जब बाई सिग्नल दिया था और अप्रोक्सीमेट गैप अप ओपन के बाद रेसिस्टेंस ये पोल में ब्रेक किए थे, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर यानी कि पहली ब्रेकआउट और दूसरी ब्रेकआउट दो बार ट्रेड ले सकते थे, कंटिन्यू भी कर सकते थे, बहुत अच्छा ट्रेंड मिला है। ओके सेम आपको यानी कि कमोडिटी मार्केट भी देखना है तो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंचेड के थ्रू पॉसिबल है। आज की क्रूड ऑयल की चार्ट दिखाती हो, हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया था क्रूड ऑयल में जब आपको पोजीशन लेना है तो हमेशा 15 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट का नहीं 15 मिनट्स आपको फॉलोअप करना है। 15 मिनट्स में आज देख सकते हैं गैप अप ओपन के बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन आज हुई थी मार्केट में, बीच में पर बाई ट्रेंड ही था पर काफ़ी फ्लक्चुएशन की यानी कि बहुत दिनों से मार्केट यानी कि बाई में ही जा रही क्रूड ऑयल, आज भी बाई ट्रेंड ही मिला है पर काफ़ी कंसोल्ट आज बाई ट्रेंड में हुई थी, बीच में जो सेल दिया था वो कंफर्म नहीं था, सीधा मार्केट फिर से अगेन ऊपर तो आपको ले सकते हो पर थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडी है यानी कि काफी वोलेटाइल है क्रूड ऑयल में आज यानी कि पोजीशन आज काफी रिस्की लग रहा है। ओके तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने दो उसके बाद पोजीशन लेते हैं अपन। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, और ज्यादा डेमो आपको चाहिए तो लाइव में एक बार आपको डेमो देखना है तो मेरे को नंबर कॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करता हूँ।